क्या आपको लगता है कि दुनिया में बाकी सब लोग आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, आपसे ज्यादा सक्षम हैं? आपको सही जीवन नहीं मिला है, आप सक्षम नहीं हैं, आपका जीवन बेकार है, खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। आपका महत्व तो क्या है जानना चाहते हैं तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक व्यक्ति था, पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। दिन भर पत्थर तोड़ करके छीनी हथौड़ी से धूप में पत्थर तोड़ने के बाद शाम को कुछ पगार लेकर के अपने घर वापस जा रहा था। उसके बदले कुछ पगार मिली थी, कुछ पैसे मिले थे। वापस घर की तरफ जा रहा था और बड़ा परेशान था कि जीवन बेकार है, ये जीवन नरक के समान है, इस जीवन में मिला ही क्या है ही क्या ये जीवन। यही सोचता सोचता घर जा रहा था, घर जाकर के पहुंचा, भोजन किया और सो गया। सोचते सोचते उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसने सोचा कि उसके पास एक बड़ा सा मकान होना चाहिए, बहुत सुंदर मकान। तो उसने देखा कि उसके पास बड़ा सा मकान हो गया, बड़ा सुंदर मकान। अब उसने देखा कि एक व्यक्ति की सब जय जयकार कर रहे हैं, बड़े नारे लगा रहे हैं, लोगों की भीड़ है, लोग उसकी जय जयकार लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लाखों लोग उसे देखने आए हैं। तो उसने देखा कि ये कोई राजनेता है, कोई पॉलिटिशियन। तो इसको लगा कि बड़ा घर तो हो ही जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर तो ये पॉलिटिशियन है, ये राजनेता है जिसके लाखों लोग दीवाने हैं, इसकी जय जयकार कर रहे हैं, मुझे ये होना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद वो राजनेता बन गया। अब लाखों लोग उसकी भी जय जयकार कर रहे हैं, खुली गाड़ी में, धूप में, सबके बीच में, बहुत सारी मालाएं पहन करके, लोगों को हाथ जोड़ करके आगे बढ़ रहा है। धूप सहन नहीं हुई, बहुत गर्मी लग रही है। ऊपर सर उठा करके देखता है, देखता है सूरज, सूरज अपने पूरे प्रताप पर है। मन में सोचता है कि राजनेता भी क्या है, इसको ये सूरज की गर्मी परेशान कर रही है। सूरज होना चाहिए, वो सबसे शक्तिशाली है, सबको प्रकाश देता है। तो अब ये सूरज बन जाता है। सूरज बनने के बाद इसको आभास होता है कि पूरी दुनिया में मेरा दिया हुआ प्रकाश है, मैं चारों तरफ प्रकाश फैला रहा हूं। अब मुझसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है, मैं नहीं रहूंगा तो अंधेरा हो जाएगा, मेरी चाहत के अनुसार प्रकाश हो रहा है। ये सोच ही रहा है, इतने में बादल इसके सामने आ जाते हैं और इसका प्रकाश रुक जाता है। तो ये सोचता है कि नहीं, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली ये बादल है, इन्होंने मेरे प्रकाश को रोक दिया, तो मैं बादल बन जाता हूं। तो ये बादल बन जाता है। जब बादल बन जाता है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि अब मैं चाहा चाहूंगा वहां बरसात करूंगा, जब चाहूंगा सूरज की रोशनी को रोक दूंगा। यह सोच ही रहा होता है, इतने में हवा का जोर से झोंका आता है और इस बादल को अपने साथ बहा कर ले जाता है। और यह देखता है कि यह कुछ नहीं कर पाया, हवा का झोंका इसको दूर ले गया, उसे रोक नहीं पाया। तो इसके मन में आता है कि नहीं, हवा मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, मुझे हवा होना चाहिए, यदि मैं हवा हो जाऊंगा तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो ये हवा बन जाता है। अब जब ये हवा बन जाता है तो इसे लगता है कि अब दुनिया में आंधी तूफान मेरी मर्जी से आएंगे, मैं रुक जाऊं तो लोगों की सांसें रुक जाएंगी, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं हवा हूं। और ये बह रहा होता है और बहते बहते टकराता है एक पहाड़ से। जब ये पहाड़ से टकराता है तो इसे एहसास होता है कि पहाड़ इसको उस पार जाने ही नहीं दे रहा है, पहाड़ ने इसको रोक लिया है। तो इसे यह आभास होता है कि हवा भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो यह पहाड़ है जिसने हवा को भी रोक दिया है। अब यह सोचता है कि मैं पहाड़ बन जाऊं, तो यह पहाड़ बन जाता है।
जब यह पहाड़ बन जाता है तो इसे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं पहाड़ बन गया हूं, अब हवा भी मुझसे टकरा करके लौट जाएगी, अब मैं सबसे शक्तिशाली हूं। इतने में इसे बड़ा दर्द महसूस होने लगता है, इसको लगता है कि कोई इसे छीनी हथौड़ी से छेद रहा है, कोई इसे मार रहा है। यह दर्द में कराहता है, चिल्लाता है, और उस चिल्लाहट में इसकी आंख खुल जाती है और नींद खुल जाती है तो सामने आईना टंगा होता है और आईने में अपने चेहरे को देखता है और यह महसूस करता है कि उस पहाड़ को तोड़ने वाला यह खुद है, वो पहाड़ इसकी वजह से करा रहा था, मतलब यह पहाड़ से भी ज्यादा शक्तिशाली। आज इसे अपना महत्व समझ में आता है। दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में जो कोई भी है, जैसा भी जीव है, जहां भी है, उस हर जीव का अपना महत्व है। वो हर जीव अपने आप में शक्तिशाली है। हम साधारण नहीं है, हम बेवजह यहां नहीं है, किसी न किसी वजह से इस धरती पर है, किसी न किसी कारण से इस धरती पर है। अनंत ब्रह्मांड में किसी भी चीज की रचना ईश्वर ने बेवजह नहीं की है। हम इस दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ अपने महत्व को पहचानना है, अपने महत्व को जानना है, और जिस दिन आप अपने महत्व को जान जाएंगे उस दिन आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा, और जिस दिन आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा, आपको अपना महत्व समझ में आएगा, तो आपको यह भी समझ में आएगा कि ईश्वर ने आपको रचा क्यों है, आप इस धरती पर आए क्यों हैं, आप साधारण नहीं हैं, आप बड़े खास हैं। जो भी कार्य आज आप कर रहे हैं उसमें पूरा मन लगाइए, पूरा विश्वास रखिए, मन में ये सोचिए कि आप सबसे बेहतर हैं और सबसे बेहतर काम आप कर रहे हैं, और जो आप कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ईश्वर ने जो आपको बनाया है वैसा दुनिया में कोई भी नहीं बनाया है। कभी देखा है आपने अपने जैसा कोई इस धरती पर, अपने जैसा दिखने वाला, अपने जैसा सोचने वाला? कभी कोई नहीं देखा होगा, क्योंकि आप ईश्वर की खास रचना है। आपको बनाने में ईश्वर ने समय लगाया है, आप उनकी बेहतर रचना है, श्रेष्ठ रचना है। हमेशा इस बात का एहसास अपने पास रखिए कि मैं ईश्वर की खास रचना हूं और किसी खास मकसद से इस धरती पर आया हूं। उस मकसद को पहचानना है, उसे जानना है, अपने महत्व को जानना है, और फिर जो कार्य भी आप कर रहे हैं उसमें निपुण हो जाइए, उसमें पूरा दिल लगाइए विश्वास के साथ। अपने अंदर खामी तलाश मत कीजिए, दूसरों की बेहतरी देख करके घबराइए मत। इस ब्रह्मांड को पूर्ण करने में आपका भी योगदान है, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए आपको रचा गया है। इसीलिए कभी हारिए मत, घबराइए मत, डरिए मत, परेशान मत होइए। जब भी आपको अपने ऊपर शंका हो, आपको लगे कि आपके अंदर खामी है, तो एक बार एकांत में बैठिए, उस ईश्वर को याद कीजिए जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया है, इस अनंत ब्रह्मांड को बनाया है। याद कीजिए उसे, अपने दिल की बात उसे कह डालिए, अपने मन का भाव उसे कह डालिए, और उसे कहिए कि मुझे वो सही मार्ग दिखला प्रभु, जिस पर मैं चलूं और कभी घबराऊं ना, कभी डरूं ना, और अपने महत्व को पहचानूं, और जिस मकसद से आपने इस धरती पर मुझे भेजा है उस मकसद को पूर्ण करने में मैं कामयाब हूं। उसमें मुझे आपकी आवश्यकता हर समय है, आपके साथ की आवश्यकता हर समय है, इसलिए हमेशा मेरे साथ रहिए। मेरे जीवन की बागडोर को आप संभालिए। आप मेरे साथ रहेंगे तो जीवन युद्ध में कितनी भी बड़ी महाभारत हो, मैं उसे निश्चित तौर पर जीत जाऊंगा। यह प्रार्थना ईश्वर से कीजिए और कर दीजिए समर्पण पूरे विश्वास के साथ। फिर देखिए, जीवन चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है।
इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।